রাখবো। प्रसन्न हूँ, हमारे देश की एक पुरानी शहर जो भारत की एक प्रकार से परिचय है कोलकाता, कभी ये पुराने दिनों में भारत की राजधानी होता था, भारत की औद्योगिक क्रांति, भारत की शिक्षा, भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत की इंटेलेक्चुअल हेरिटेज, बौद्धिक परंपरा कोलकाता से ही शुरू होती थी। सर, यू आर नॉट ऑडिबल सर, लाउड साउंड इज क्लियर। आवाज बहुत कम हो रही है। मैंने आवाज ठीक रहेगा अभी, मैं वो ठीक था। कोलकाता की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, सो बंगाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बीच में 8 साल की कार्यकाल पूरा हुआ है। धीरे धीरे सरकार की उपलब्धि, सरकार की कामकाज, पिछले 8 साल में जो किया गया है उसकी क्या स्थिति है, क्या हो रहा है, आप लोगों से सुझाव लेके उसको और कैसे बढ़ाया जाए, ठीक किया जाए, जिसके संवाद भारत सरकार की ओर से किया जा रहा है, उसी के सिलसिले में मैं आज 3 दिन की प्रवास में मैं कल आके पहुंचा था कोलकाता। आज और कल तक यहां रहूंगा। अभी पिछले 11 तारीख को हमारे सहयोगी बहन स्मृति ईरानी जी की कर कमल पे ये स्टेशन का लोकार्पण हुआ है। कोलकाता मेट्रो की मेरे को आज सौभाग्य मिलेगा, मैं इसमें आज बैठूंगा, आगे शॉर्ट लेक की और जाऊंगा। ये जो लाइन के अलावा, मेट्रो के अलावा, मैं उसकी पहले उसको थोड़ा और वर्णन करूं जो आप जानते भी हो, दो और खुशी की विषय आपसे आज के दिन पर शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल देश में परसों नया राष्ट्रपति जी का चुनाव संपन्न हुई है, नतीजा भी आया है। भारत में राष्ट्रपति जी की चयन एक परंपरा है, उसकी एक प्रक्रिया है। अमूमन कौन जीतेगा, नामांकन के दिनों से कौन जीतेगा यह कोई विषय नहीं रहती है। एक आधा बार कभी इतिहास में कभी ऐसी घटना हुई होगी, लेकिन अमूमन तय हो जाता है नामांकन के दिन जितने वाला कौन है। इस बार भी कोई संदेह नहीं था कि आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ने प्रत्याशी बनाया, नतीजा क्या होगा। लेकिन उसके उपरांत जो नतीजा आया उसमें दो सुखद अनुभव है। एक, भारत में पहली बार आदिवासी समाज की इस प्रकार की गरीब पृष्ठभूमि से, बॉटम ऑफ द पिरामिड जिसको कहा जाता है, इसे बॉटम की ओर से आदरणीय द्रौपदी मुर्मू प्रतिनिधित्व करते हैं, महिला, आदिवासी, और मैं कोलकाता की भूमि में बड़े जिम्मेवारी के साथ कहूं, प्रणब बाबू ही हमारे गौरव तो थे ही, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पूर्वी भारत की ओर से आदरणीय द्रौपदी मुर्मू
प्रतिनिधित्व करते हैं, महिला, आदिवासी, और मैं कोलकाता की भूमि में बड़े जिम्मेवारी के साथ कहूं, प्रणब बाबू ही हमारे गौरव तो थे ही, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पूर्वी भारत की ओर से बंगाल का हो गया था, अभी उड़ीसा की हमारी बारी था। मैं प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को प्रत्याशी बनाया। भारत की सभी राज्यों ने, अगर कोई पार्टी का विषय तो बचा नहीं, गुप्त मतदान होती है, विवेक अनुमोदित वोट होता है। मैं सहर्ष कहूं, भारत की सभी विधानसभाओं ने और लोकसभा राज्यसभा दोनों मिला के द्रौपदी जी की प्रत्याशीपन को समर्थन किया। इसके एक सुखद अनुभव आज देश कर रहा है। दूसरी एक खुशी की बात मैं आपसे शेयर करूं, मैं संयोग से शिक्षा मंत्री भी हूं। कोरोना की चपेट में देश ग्रसित था, द एंटायर वर्ल्ड वाज इन द ग्रिप ऑफ कोरोना, सो आवर कंट्री 2 years कंटिन्यूअसली वी कुड नॉट कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th एंड 12th फ्रॉम द CBSE। ऐसे और कुछ राज्यों की बोर्ड ने भी CBSE को अनुसरण किया था। पिछले साल अभी CBSE की प्रत्यक्ष ऑफलाइन प्रत्यक्ष एग्जामिनेशन हुआ। मैं CBSE को बधाई देता हूं। अमूमन इन एन एवरेज एग्जामिनेशन की 45 डेज लगती है रिजल्ट लाने में, लेकिन इस बार थोड़ा सेशन विलंब भी चल रहा था। एक कोरोना की चपेट को ध्यान में रखते हुए एक मिड टर्म CBSE ने एग्जामिनेशन भी किया था, थोड़ा विलंब हुई थी, लेकिन समय रहते हुए जब बच्चे फर्दर कैरियर एडवांस में जाने की तैयारी कर चुके हैं, बाहर जाएंगे, देश के अन्य कॉलेजेस में जाएंगे, राज्यों के अपना अपना शेड्यूल है, सबके मन में व्यग्रता थी कि CBSE के एग्जामिनेशन रिजल्ट कब आएगा। बिफोर 45 डेज CBSE निर्भुल तरीके से लगभग पिछले दिनों में रिजल्ट अनाउंस किया है, और वो अनाउंसमेंट में सिल्वर लाइन ये है, लड़कियां चेकते हैं। देश भर में गर्ल्स स्टूडेंट वेदर दे बिलोंग टू क्लास 10 और क्लास 12, उन्होंने अच्छा किया है, और मैं बंगाल को भी बधाई देता हूं, बंगाल की CBSE स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों को बधाई देता हूं, विशेष करके बच्चियों को बधाई देता हूं, उन्होंने भी अच्छा रिजल्ट किया है। मैं आप सभी मीडिया के साथियों को बधाई देता हूं, आपने उसको अच्छे से प्रसिद्धि दिया है, बच्चों की हौसला बढ़ाई है। तो तीसरी विषय खुशी की है, अभी मैं अरोड़ा जी से थोड़ा इसकी जानकारी ले रहा था, देश में मेट्रो पहले कोलकाता से ही शुरू हुआ 72 से 2013, ये 40 साल में कोलकाता मेट्रो 27 किलोमीटर और लगभग 6 करोड़ रुपया की खर्चे में, 6000 करोड़ रुपया की खर्चे में बनी। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी की जिम्मेवारी आई, कोलकाता को विश्व की एक हबरिंग सेंटर दोबारा बनाने के लिए, जिस कोलकाता में स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष बोस, योगी श्री अरविंद जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाघा जतीन, चित्तरंजन दास,
ऐसे लोगों की ये बंगाल है और शहर है, भारत की औद्योगिक क्रांति की ये मुख्य केंद्र है, कभी रहा करता था, शासन प्रशासन ज्ञान विज्ञान की यही केंद्र था। उस शहर की पूर्व गौरव को फिर स्थापित करने के लिए भारत सरकार की जो जिम्मेदारी है उसमें मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन करने वाला व्यवस्था है। मेरे को बहुत ही आनंद हो रहा है, पिछले 8 साल में और 27 किलोमीटर, 127 किलोमीटर 40 साल लगा था बनने में, पिछले 8 साल में और 27 किलोमीटर की मेट्रो रेल बनी है। आने वाले दिनों में सॉल्ट लेक से हावड़ा स्टेशन तक, भाया सियालदा स्टेशन, भाया ब्रिगेड के आसपास राइटर्स बिल्डिंग की ओर पूरा सर्विस इंडस्ट्री की सॉल्ट लेक को कवर करते हुए 12,000 एडिशनल स्पेंडिंग में ये मेट्रो बनी है। ये कोलकाता के लिए बहुत ही आवश्यक चीज है। 21वीं सदी की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की हमारी जिम्मेदारी है। आज के अवसर पे मैं यही 3 विषय की खुशी आपसे शेयर करना चाहता था, आपने उसका मौका दिया। मैं फिर मेट्रो रेलवे की बनाने वाले और ऑपरेशन करने वाले दोनों कंपनियों को, रेलवे और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आपकी सहयोग चाहिए सीबीएसई के रिजल्ट में, बंगाल को और देश के बच्चों को बधाई देता हूँ। और देश द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के रूप में पाके आनंदित है। आज एक खुशी के अवसर पे मेरे ओर से यही 3 विषय था। हरमंदिर जी, आज कोलकाता में फॉर्मल एजुकेशन मिनिस्टर, मैं बाद में कहूंगा क्यों, ये सरकारी पत्रकार बात है, मैं जाते जाते बोल के जाऊंगा, बिल्कुल भागूंगा नहीं आपको बोल के। देखिये, एनईपी को लागू करने में अभी 2 साल पूरा हो रहा है। 2020 में 34 साल के बाद प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया, डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में। देश में एक बहुत बड़ा विमर्श के उपरांत, कंसल्टेशन के उपरांत एनईपी लागू किया गया है। देश में मैं कहूं उस एनईपी को बनाने में और पिछले 2 साल में जो अनुभव हो रही है लागू करने में बहुत ही उत्साहजनक है। देश की सभी लोग, सभी विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षा परिवार के अन्य सदस्य, शिक्षाविद, मूल विचारक, नीति निर्धारक, सरकारें एनईपी को इंप्लीमेंट अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। 2 साल पूरा होगा, भारत 21वीं सदी के नॉलेज इकोनॉमी के लीडर होने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसकी मुख्य इंस्ट्रूमेंट होगा, मुख्य कैटलिस्ट होगा। एनईपी ठीक से लागू हो रहा है, लेकिन सर बंगाल सरकार तो एनईपी जो है वो लागू करने में इच्छुक नहीं है। बंगाल सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू करने में, इंप्लीमेंट करने में तो राजी नहीं है। मैं आपको, मैं तो सुनता हूँ बीच बीच में, लेकिन मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा। एक कोई मान, फिर आप सब लोग इकट्ठा ना कहिएगा, किस विषय पे उनकी आपत्ति है? लागू नहीं करेंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं देखता हूं कि बंगाल की जो मूल आवश्यकता है, बंगाल की मूल आवश्यकता है चाकरी, रोजगार, स्थानीय अर्थनीति को मजबूती देना, बच्चों को 21वीं सदी के लिए तैयार करना, यह बंगाल की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने यह सारा विषय कहा गया है। मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए, स्थानीय भाषा में पढ़ाई होनी चाहिए, रोजगार चाकरी आधारित शिक्षा बनानी चाहिए। क्या बंगाल सरकार की ऐसे सारा विषय पे आपत्ति है? मैं नहीं समझ पाता हूं, कुछ कम्युनिकेशन गैप होगा। मेरे अधिकारी मित्र बंगाल के अधिकारी मित्रों से निरंतर बात भी कर रहे हैं, कुछ विषय पे सहमति भी है,
काम मिलकर कर ही रहे। मेरे पास जो जानकारी है, बंगाल की शिक्षा विभाग के अधिकारी और हमारी भारत सरकार की शिक्षा विभाग के अधिकारी नियमित और राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोनों के बारे में काम कर रहे हैं। और बाकी कुछ मित्रों को अगर राजनीतिक असहमति कुछ विषय पर होगा, मेरे उसमें कुछ उत्तर नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति और बंगाल की आकांक्षा दोनों परिपूरक है। चलिए, थैंक यू सर। हाल ही में जो उसमें देखा जा रहा है कि विश्व भारती जो कवि गुरु के इंस्टीट्यूशन है वो अपना रैंकिंग जो है वो नीचे जाता रहा है, मतलब पिछले साल जो जिस रैंकिंग पे वो था वो और भी नीचे चला गया। और हाल ही में एक चीज़ को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी भी हो रही है, जैसे कि विश्व भारती में देखा जा रहा है कि काली पूजा को लेकर वो लोग लेक्चर सीरीज का आयोजन कर रहे हैं, हालांकि ये जाना कोई आपत्ति की बात है क्या? बंगाल में आप कैसे दीदी बात करते हो? बंगाल में काली पूजा के बारे में चर्चा नहीं होगी, विमर्श नहीं होगी, कहाँ करेंगे? और विश्व भारती एक शिक्षा अनुष्ठान है, शिक्षा अनुष्ठान में तरह तरह की बात चर्चा होगी। मैंने आज अखबार में पढ़ा मूर्ति पूजा वगैरह के बारे में। अरे कम से कम बंगाल में इस विवाद को तो ना किया जाए, जहाँ माँ दुर्गा माँ काली इतने शक्तिपीठ है और बंगाल की दुर्गा पूजा दुनिया में मान्यता पाई है, काली माँ हमारी परम आस्था की केंद्र है, एक शिक्षा अनुष्ठान अगर उसमें विमर्श करती है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बाकी NIRF की रैंकिंग के बारे में मैं कहूँ, मैं बंगाल की और एक जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी जादवपुर यूनिवर्सिटी, इन्होंने NIRF में अच्छा किया, मैं उनको बधाई देता हूँ। NIRF एक कॉम्पिटेटिव असेसमेंट मेथोडोलॉजी है। हम इस बार अपील भी किए हैं भारत की सभी शिक्षा अनुष्ठान को, राज्य सरकारों के द्वारा चलने वाले, केंद्र सरकार के द्वारा चलने वाले, निजी संस्थानों के द्वारा चलने वाले तीनों प्रकार की शिक्षा अनुष्ठानों को असेसमेंट में जाना पड़ेगा। दे हैव टू ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटेटिव एंड कंटिन्यूसली दे हैव टू अपग्रेड। ये बच्चों के लिए इतना उनको करना पड़ेगा। जो लोग उसमें अच्छा कर रहे हैं उनको बधाई, जो लोग थोड़ा पीछे हैं उनसे अपेक्षा अगले बार वो उसको अच्छा कर जाए।